आपका दो दो सरकारी कॉलेज होने के बावजूद बुरहानपुर में कई छात्रों का भविष्य अधर में है। कॉलेज में लंबे समय से स्थायी शिक्षक नहीं है, जिससे छात्रों को पढ़ाई का भारी नुकसान हो रहा है। शिक्षकों की नियुक्ति को लेकर छात्र अब आंदोलन पर उतर आए हैं। वहीं प्रशासन प्राध्यापकों की नियुक्ति के लिए संबंधित विभाग को अवगत कराकर अपनी जिम्मेदारी पूरी मान रहा है। कुछ साल पहले तक बुरहानपुर के छात्र जिले में सरकारी कॉलेज नहीं होने से उच्च शिक्षा के लिए खंडवा अप डाउन कर रहे थे। दो साल पहले बुरहानपुर में सरकारी कॉलेज खुले, लेकिन छात्रों को कोई फायदा नहीं हुआ। दरअसल सरकारी कॉलेज में सिर्फ कला संकाय विभाग ही खोला गया, जिसमें शिक्षक नहीं होने के चलते ये पूरा कॉलेज सिर्फ एक अकाउंटेंट के भरोसे चल रहा है। एक LDC ट्रांसफर होकर आए हैं और वो अभी चार्ज देने उनके महाविद्यालय गए हैं। चार्ज दे के वो आएंगे तो शिक्षा में कोई है? नहीं, शिक्षा शैक्षणिक स्टाफ में कोई नहीं है। कमोबेश ऐसे ही हालात नेपा नगर स्थित शासकीय कॉलेज के भी हैं। यहाँ 480 छात्रों पर सिर्फ 3 प्राध्यापक हैं, जबकि प्राध्यापक के 17 पद खाली हैं। शिक्षण सत्र शुरू होने के 1.5 महीने बाद भी कॉलेज में पढ़ाई शुरू नहीं हुई है, जिसके विरोध में छात्र आंदोलन पर उतर आए हैं। विद्यार्थी परिषद अभी यहाँ से आंदोलन चालू करेगी, इसके लिए हम वहाँ पे आंदोलन करेंगे और मुख्यमंत्री जी को एक ज्ञापन देंगे कि इन कॉलेजों में भर्ती करेंगे। शिक्षकों की नियुक्ति को लेकर कलेक्टर प्रदेश शासन के उच्च शिक्षा विभाग को अवगत करा चुके हैं, बावजूद इसके अभी तक प्राध्यापकों की नियुक्ति नहीं हो पाई है। जिला स्तर से आयुक्त उच्च शिक्षा को प्रस्तुति से अवगत कराया है और अनुरोध किया गया है कि शीघ्र ही यहाँ शिक्षकों की अतिथि शिक्षकों की पदस्थापना शासन द्वारा की जाए। बुरहानपुर जिले में डिग्री और तकनीकी शिक्षा के 8 कॉलेज हैं, लेकिन ये निजी क्षेत्र के हैं, जिसकी मोटी फीस गरीब और मध्यम वर्गीय छात्रों के बस में नहीं। सरकारी कॉलेज खुले तो उम्मीद बंधी, लेकिन शिक्षा विभाग की उदासीनता के चलते अब तो छात्रों का भविष्य भी दांव पर लग गया है। रिजवान अंसारी, सहारा समय, बुरहानपुर।